स्ट्रॉबेरी, आड़ू है यहाँ। कौन कौन से आंटी जी पेड़ हैं आपके पास यहाँ? तो हर वैरायटी मिलेगी आपको। अच्छा, क्या सेब? क्या बताऊँ, सेब तो कितने वैरायटी का है, बहुत वैरायटी का सेब है। और आप, ये मैं तो इतना नहीं जानती हूँ वैरायटियों के नाम, इसके पापा बता देंगे सारे। हाँ, ये फैनी है, ये तो फैनी का पेड़ है। और कल बोल रहे थे अखरोट भी है, अखरोट है, बादाम भी है, बादाम भी है, सबके पेड़ लगे हुए हैं। हाँ, सबके, हर वैरायटी लगा रखी है। और ये क्या मौसमी है सामने लगी है? वो माल्टा है, माल्टा है, खुमानी है ऊपर, पीछे खुमानी, पीछे है खुमानी। और ये क्या नींबू है आंटी जी? हाँ, ये बड़ा बड़ा वाला नींबू। हाँ, तो ये किस हिसाब से बिकता है फिर? और इसको हम गर्मी में तो बहुत महंगा जाता है। अच्छा, करीब क्या जाता है, 80 रुपये किलो गया था, 81 रुपये किलो। अच्छा, तो किलो में 4-5 ही चढ़ते हैं। हाँ, बस बड़े बड़े हैं, बड़े हैं। इस साल तो फिर भी कम हो रहे हैं, बारिश नहीं हुई ना। अच्छा, तो इससे पिछले साल बहुत बड़े थे, दो मतलब दो दानों में 1 किलो बैठता था। अच्छा, दो दानों में आधा किलो का एक हो गया, आधा किलो का एक था पूरा। इस बार ये बारिश नहीं हुई ना, यहाँ बर्फ नहीं गिरी, तो उसको फिर हम जैसे कटेगा तो इस्तेमाल कब तक? हाँ हाँ, वो तो आप कभी भी फ्रिज में रख लो उसको। अच्छा, हाँ, वो करीब 15 दिन भी चल जाएगा। चल जाए, 15-20 दिन चल जाता है। और रसीला बहुत आजकल तो बहुत रस हो गया, जूस बहुत है, जूस बहुत हो गया। ये अनार है, ये अनार है, नींबू का जूस और माल्टा का जूस भी मैं घर ही बनाती हूँ। अच्छा, मेरी डिमांड आती है। अच्छा, तो दुकान चले जाता है, पैक्ड करके भेजते हैं फिर? ना ना, जैसे बोतलों में बना दिया। हाँ, लीटर के हिसाब से दे देती हूँ। अच्छा, माल्टा का भी, उसका भी, मतलब लीटर के हिसाब से ले जाती हूँ। इनके काट के इनका पल्प निकाल लेते हो फिर? हाँ, उनको उबाल के बनाते हो? हाँ, इसको पहले काट दिया जाता है, उसका जूस निकाल लिया और फिर चीनी के साथ पकाते हैं। हाँ, पकाते नहीं। अच्छा, हाँ, चीनी का वो बना लिया, बखर बना लिया, उसको ठंडा होने देते हैं, जिसमें दवा पानी जो भी मिलती है, बखर मतलब चाशनी, चाशनी, हाँ हाँ, चाशनी बना लेते हैं। तो उसको ठंडा होने के बाद उसमें नींबू का जूस भी पड़ता है, इसमें जो भी होने के बाद पड़ता है, जो टिकाऊ होता है वो भी पड़ता है, कलर भी पड़ता है सब। हाँ, टिकाऊ, तो एक साल तक पूरा टिकाऊ से खराब नहीं होता। ना ना ना, वो चीज़ डाल करके एक साल पूरा ले लो आप। पिछले साल का स्ट्रॉबेरी का जैम बनाया हुआ रखा है मैंने, प्रिजर्वेटिव हो गया ना, उसमें आप डालते हो।